शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रवार को बैल बकरी व्यापारियों तथा किसान वर्ग ने इकट्ठा आते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बकरी बाजार बैल बाजार शुरू करने की मांग की गई। इस दौरान नायब तहसीलदार वीजी इंगोले के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बैल बकरी व्यापारियों और किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं का बखान करते हुए बताया कि बीते 6 महीनों से बाजार बंद होने से उनके परिवार के गुजर बसर पर इसका विपरीत असर हो रहा है। उनकी आय का जरिया ठप होने से उन पर भुखमरी की नौबत आ गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में बैल बकरी व्यापारी सहित किसान उपस्थित थे। इस समय संबंधित समस्याओं पर नगर सेवक सैयद अकरम ने जिलाधिकारी से गुजारिश करते हुए बैल बकरी व्यापारियों और किसानों की गिरती आर्थिक स्थिति और ध्यानाकर्षण करते हुए इन लोगों की मांग की ओर जल्द से जल्द ध्यान देने और समस्याओं का समाधान ढूंढने की अपील की है। हमारे महाराष्ट्र के लाड़के मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे साहब, इन्होंने कहा था के टप्पे टप्पे से आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सभी चीज़ें शुरू की जाएंगी, और उसका एक पार्ट बोलकर किराना दुकान, सब्जी पट्टा, कटिंग की दुकानें, इलेक्ट्रिक की दुकानें, मॉल्स, एसटी बसेस सभी शुरू की गई। उसी आधार पर आज हम सब व्यापारी बंधुओं ने, शेतकरी बंधुओं ने तहसीलदार मार्फत कलेक्टर साहब से गुजारिश की है, क्या पिछले 6 महीने से जो बकरी बाजार और बैल बाजार बंद है, महज बाजार बंद है, उसको सभी अटी व शर्ती के साथ शुरू किया जाए, और शुरू करते हुए जो भी नियम का पालन है, शासन के तरफ से जो भी नियम का पालन करने के आदेश दिए जाएंगे। इन्होंने तहसीलदार साहब को वादा किया है जब वो नियमों का पालन करते हुए वो बकरी बाजार, बैल बाजार, महज बाजार का शुरू करने के लिए गुजारिश कर रहे हैं। इनबीसी न्यूज के लिए जुबैर खान, दिग्रस।